हेलो सोन, तुम बर्गर लेके घर चले जाना, क्योंकि हमारे गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है और गुल्ली उसे बनवाने गया है, तो हमें घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन बर्गर फ्रिज में मत रखना, वरना सब ठंडे हो जाएंगे। तुम्हें अपना हिस्सा खाना होगा तो खूब खा लेना, मेरा और गुल्ली का छोड़ देना। ठीक है बुल्ली, मैं बर्गर लेकर घर जा रहा हूँ, लेकिन आने में देर मत करना, नहीं तो एक भी बर्गर बचेगा नहीं। बुल्ली सोन से बात कर ही रहा होता है कि वहाँ पे गुल्ली आ जाता है और कहने लगा कि चलो बुल्ली, काम हो गया है। सोन का फोन है क्या? बुल्ली बोलता है हाँ, सोन का फोन है। गुल्ली ने कहा, बुल्ली तुम सोन को कह दो स्कूटर चलाते समय बात ना कर दे, एक्सीडेंट बहुत होता है इससे। गुल्ली ने जो कुछ भी बुल्ली से कहा, बुल्ली ने सोन को बता दिया। फिर सोन बुल्ली से कहता है कि तुम डरो मत, है सालों से स्कूटर चला रहा हूँ। लेकिन तभी हेलो, ये क्या हो गया? सोन का फोन अचानक से बंद हो गया, उसकी बैटरी खत्म हो गई होगी। चलो बुल्ली, हमें सोन के पहुंचने से पहले घर पहुंचना होगा, वरना हमारे बर्गर खतरे में पड़ जाएंगे। फिर वो दोनों अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं और अपने गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर गुल्ली बुली बातें करते हुए घर की तरफ निकल जाते हैं और इधर सोन घंटे से बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश की पानी की बूंदें सोन पे पड़ती है तो सोन को होश आ जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं तेज बारिश में कहां फंस गया हूं। तब उसे याद आता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और अब रात हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे पड़े हुए कई घंटे हो चुके हैं। सोन उठकर ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसके पैर में चोट लगी होती है और उसे उसकी मदद के लिए किसी को बुलाना ही होगा। फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और वो मदद के लिए गुल्ली और बुली को बुलाना चाहता है, लेकिन उसके पास फोन उसका गिर चुका है और मदद के लिए उसे अपना फोन ढूंढना ही होगा। वो अपने स्कूटर के पास चला आता है और वहाँ पे फोन को ढूंढने लगता है। आसपास झाड़ियों में देखता है और वो अपना फोन ढूंढते हुए सोचता है कि आखिर मेरा फोन कहाँ चला गया होगा, काश मैंने गुल्ली की बात मान ली होती और मैं फोन पे बात नहीं करता। अब तो गुल्ली बुली भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और अपना ये स्कूटर भी टूट गया है। अब मैं घर कैसे जाऊँगा? अरे रुको रुको, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मुझे घर तक छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। रुक जाओ, अरे यार कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और हम हर वक्त दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आज हमें पता चला है कि ये दुनिया कितनी मतलबी है। अब बस बैठ के इंतजार करूंगा, मुझे यकीन है कि गुल्ली बुली मुझे ढूंढने जरूर आएंगे। और ये सब ये मनहूस गाड़ी की वजह से हुआ है, अगर ये यहाँ पे नहीं होती तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता और मैं ये सब झंझट में नहीं फंसता। मुझे इतने रात को जंगल में बहुत डर भी लग रहा है और मुझे इतना डर लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरे आसपास में कोई डरावनी चीज हो। अरे ये क्या, यहाँ पे एक इंसान का हाथ है। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। लगता है यहाँ पे पहले भी कुछ भयानक एक्सीडेंट हो चुके हैं। अब मैं कसम खाता हूँ गाड़ी चलाते समय फोन पे कभी भी बात नहीं करूंगा। इतने देरों से बारिश में भीजते हुए मुझे ठंड भी लगने लगी है और मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। अब मैं खड़ा नहीं रह सकता, मुझे छुपने के लिए कोई जगह चाहिए जल्दी, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होगा। वो सामने क्या है, इतना बड़ा घर, लगता है कोई हवेली है। अगर यहाँ पे कोई रहता होगा तो वो मेरी बात जरूर गुल्ली बुली के पास पहुँचा देगा। यहाँ खड़े रहकर टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है, मुझे नीचे जाकर देखना होगा। और फिर सोन नीचे की तरफ जाने लगता है। ये जगह मुझे कितनी अजीब लग रही है, लगता है यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इस जगह की हालत देखकर तो यही लग रहा है कि ये जगह बहुत सालों से बंद पड़ी हुई है। अरे ये आवाज कैसी थी? अरे ये तो बिल्ली है, इसने तो मुझे डरा ही दिया। हे काली बिल्ली, आओ मेरे पास आओ, तुम्हें पता है ना सोन जानवरों से कितना प्यार करता है। अरे तुम तो डर के भाग गई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके आगे क्या होता है ये हम आपको बताएंगे पार्ट 2 में, और पार्ट 2 कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए।